और अब बात करते हैं नीट पेपर लीक मामले की, जिसमें रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं, लगातार जानकारियां निकलकर सामने आ रही हैं। तो उधर सरकार के सख्त आदेश भी सामने आ गए हैं, पुलिस और जांच एजेंसियां भी अब एक्शन मोड पर हैं। सीबीआई की टीम केस दर्ज कर रही है और इस पूरे मामले की छानबीन में जुट चुकी है। लेकिन सीबीआई की टीम कैसे इस पूरे मामले में आगे बढ़ रही है, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। पेपर लीक और परीक्षाओं में धांधली का मुद्दा देश भर में गूंज रहा है। बच्चे और उनके परिजन आक्रोशित हैं, विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। सरकार एक्शन मोड में आ गई है, एनटीए के डीजी को हटा दिया, तो अब नीट यूजी केस की जांच भी सीबीआई को सौंप दी गई है। कई गिरफ्तारियां हो रही हैं, विपक्ष सरकार का विरोध कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है, यानी छात्रों से लेकर सियासत और कोर्ट तक हर मोर्चे पर लड़ाई जारी है। इस बीच 5 मई को नीट परीक्षा के रिजल्ट में ग्रेस मार्क्स पाने वाले कैंडिडेट्स के लिए फिर से परीक्षा कराई गई, जिसमें 5 राज्यों में नीट यूजी की दोबारा परीक्षा हुई। 1563 छात्रों में से सिर्फ 816 यानी करीब 52% परीक्षार्थी ही इस एग्जाम में शामिल हुए। 750 बच्चे री एग्जाम में शामिल नहीं हुए। 67 छात्रों को आगे परीक्षा नहीं देने दी जाएगी, ये सूत्रों के हवाले से खबर है, जिसमें पटना के 17 और गोधरा के 30 परीक्षार्थी शामिल हैं। पहले मेरे 720 में से 720 आए थे ग्रेस के बाद, और आज का पेपर भी ठीक हुआ है, बट आज का पेपर अगर QRST से कंपेयर करें तो उससे तो हार्ड ही था, और जो हमारा पहले हुआ था MNOP वाला उससे भी हार्ड था। आसान था पेपर, आसान था पहली बार। क्या उम्मीद करते हैं पिछली बार वाला रैंक और नंबर आएंगे? सर उससे बेहतर। पेपर का जो लेवल था वो सेम ही था, जैसा पिछली बार मिला था वैसे इस बार मिला। बता रहे हैं फिजिक्स थोड़ी टफ थी, बायो ठीक थी, कंपैरेटिवली मेरे लिए तो सेम ही था, बाकी बच्चों को मुझे पता नहीं। ये तो महज 1563 छात्रों के लिए था, अगर जांच में धांधली साबित हो जाती है और 8 जुलाई को सर्वोच्च अदालत परीक्षा रद्द करने को कहे तो फिर 24 लाख छात्रों को इसमें शामिल होना होगा। लेकिन कई बच्चे ऐसे हैं जो अपनी मेहनत का हवाला देकर कह रहे हैं कि सिस्टम की लापरवाही का खामियाजा आखिर हम क्यों भुगतें। मेरी राय यह है कि नीट एग्ज़ाम दोबारा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिन्होंने जेन्युइनली इस बार मेहनत करी है, जिन्होंने जेन्युइनली हार्डवर्क किया है, जैसे कि मैं जिसने इस बार 12-13 आवर्स डेली स्टडी किया था पूरे साल, तो उन जैसे बच्चों के लिए ये बहुत ज़्यादा इनजस्टिस हो जाएगा। पुराना जितनी भी मेहनत थी वो सारी जीरो हो जाएगी। ये वही वाली बात हो गई कि एक साल इंसान एक पेपर को क्लियर करने के लिए मेहनत करता है, उसके बाद अगर अब रीनीट होता है तो वो हार्डली वो एक महीने का टाइम देंगे। एक महीने में किसी का भविष्य ऐसे तय करना तो मुझे नहीं लगता बिल्कुल भी सही है। कई छात्र दोबारा परीक्षा नहीं चाहते हैं, लेकिन गड़बड़ियों की जांच के लिए अब शिक्षा मंत्रालय की शिकायत पर सीबीआई ने पहली FIR भी दर्ज कर ली है। IPC के सेक्शन 120B यानी कि क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी और 420 यानी कि चीटिंग समेत कई धाराओं में FIR दर्ज की गई है। सीबीआई हर जगह जहां भी धांधली की शिकायतें हैं वहां जांच करेगी। हालांकि अभी बिहार और गुजरात में दर्ज हुए मामलों को टेक ओवर करने पर सस्पेंस बना हुआ है, क्योंकि दोनों ही जगह पुलिस जांच कर रही है। बिहार में EOU की टीम जांच कर रही है, पेपर लीक की इनकी जांच में क्या मिला और इनकी इन्वेस्टिगेशन कहां तक पहुंची, इसकी जानकारी खुद बिहार EOU ने दी है। बिहार EOU की जांच में बड़ा खुलासा हुआ है, इसके मुताबिक संजीव मुखिया गिरोह से जुड़ा है चिंटू, और चिंटू को सॉल्व पेपर अपने मोबाइल फोन पर मिला था। 5 मई को चिंटू के फोन पर एक PDF आया था। 15 संदिग्ध छात्रों में से 4 से पूछताछ EOU ने की है और जले हुए प्रश्न पत्र की फॉरेंसिक जांच कराने का फैसला किया गया है। अब बिहार में जो गिरफ्तारियां हुई है उन आरोपियों की भी आगे कस्टडी लेकर उनके रोल की जांच CBI करेगी। जांच के लिए CBI ने 2 स्पेशल टीमें बनाई हैं, जो पटना और गोधरा जाएंगी। इस बीच बिहार पुलिस ने झारखंड के देवघर जिले से 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनकी पहचान परमजीत सिंह उर्फ बिट्टू, चिंटू उर्फ बलदेव कुमार, काजू उर्फ प्रशांत कुमार, अजीत कुमार, राजीव कुमार उर्फ कारू और पंकु कुमार के तौर पर हुई है। इनमें से 5 लोग बिहार के नालंदा के रहने वाले हैं। तो उधर महाराष्ट्र ATS ने भी लातूर से 2 संदिग्ध लोगों को अरेस्ट किया है। कुछ पुलिस वाले आए सिविल ड्रेस में, आके मुझे थोड़ा पूछताछ करने के बल्कि SP ऑफिस लेके गए और मुझसे थोड़ा पूछताछ किए, मेरा अकाउंट चेक करे, मेरे मोबाइल चेक करे, सब चेक करके पूछताछ करके फिर वो मुझे बाद में घर पे लाके छोड़े। ऐसा कुछ भी उसके अंदर निष्पन्न नहीं हुआ उनको, और कुछ तो मेरे ख्याल से कुछ तो भी उनको मिसमैच हुआ होगा शायद।
इसलिए उन्होंने मुझे बोले मैं अच्छा कोऑपरेट किया, उन्होंने मुझे अच्छा सहकार्य करे, फिर बाद में मुझे घर पे लाके छोड़े, कुछ बोले भाई कभी आवश्यकता पड़ेगी तो मैं और एक बार आपको बुलाएंगे हम, ऐसा वगैरह बोल दिए उन्होंने। राज्य दर राज्य एक्शन जारी है, सरकार सवालों के घेरे में है, ऐसे में वो कोई भी कोताही नहीं बरतना चाहती। सीबीआई से लेकर राज्यों की एजेंसियां भी पेपर लीक के नेटवर्क का भंडाफोड़ करने और मास्टरमाइंड के जरिए पूरी जड़ों तक पहुंचने में जुटी हुई है। बिहार ईओयू सबूतों के साथ अगर कोर्ट में साबित कर देती है कि पेपर लीक हुआ था तो फिर दोबारा परीक्षा का चांस और भी बढ़ जाएगा। अब जो भी हो, ये मुद्दा अभी शांत होने वाला नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट।